आप ऊपर तार है लगी आपके इधर बिजली की तो मैं चाहता हूं कि इस वक्त जो सौभाग्य स्कीम के तहत जो स्कीम चल रही है, मैं चाहता हूं कि पूरे काशीगढ़ इलाके में जो हमारा पंचायत काशीगढ़ बी है, इसमें ये जो जितना भी बिजली की खासा हालत है, इसका निज़ाम दुरुस्त किया जाए। अब आजकल कोई थोड़े थोड़े कहीं किसी किसी गांव में टच कर रहे हैं, पोल लगा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि जितनी भी लाइनें हैं वो लाइनें बिल्कुल दुरुस्त की जाएं। उसके बाद जो भी नए कनेक्शन खुले हैं उनको भी हर घर के सामने पोल लगाया जाए। पुराने जहां घर हैं, पुराने घरों के सामने जहां पोल नहीं है, तार कहीं दरख्त के साथ लगी है, तो उसको भी कम से कम जहां दरख्तों के साथ तार लगी है वहां भी पोल लगाए जाए। और जितना भी बिजली का सिस्टम है इसको बिल्कुल सही तरीके से वो हमारे तार पोल सीधे ठीक तरीके से लगाते हैं तो ठीक है, नहीं तो वो अपनी ये स्कूटियां हम ना स्कूटी देंगे ना किराया देंगे, वो अपनी तार पोल ले ले और हमें ऐसे छोड़ दें। रही बात जनरल लाइन की, जनरल लाइन का सारा सबब तो आप देख चुके ऊपर से नीचे तक, आपने देखा ये अगर किसी का बच्चा, किसी की भेड़, किसी की बकरी, कोई कुछ भी यहाँ पे नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेवारी डिपार्टमेंट रहेगी। ठीक है, हम ओपन चैलेंज देते हैं डिपार्टमेंट को। इससे पहले भी नुकसान हुआ है, जानी भी हुआ है और माली भी हुआ है। ये आप दरियाफत कर लो गांव वालों से कि कैसे एक 85 या 86 में एक इंसान मेरा भाई फंसा था जिसकी क्या नाम था उनका, नियाज अहमद। अब देख सकते हैं उनकी हालत, अभी भी फोटो उठा लो देख लो उनकी टांगे कैसी हैं। तब से अभी तक ना इस जर्नल लाइन का कुछ हो रहा है ना कोई कर रहा है।